गुड मॉर्निंग। आज दा टुडेज़ जिहड़ी टॉप हैगी है फॉर डिस्कशन फॉर पिगरी फार्मर्स, ये टॉपिक हैगा फेयरवेल। एज अर्लियर आई टोल्ड यू, फेयरवेइंग इज़ ए प्रोसेस इन विच सो गिव्स बर्थ टू यंग वन। जो सूने की, जो सूरी के बच्चे देने की जो क्रिया है, जैसे काउज एंड बफलो में उसे पार्चुरेशन बोलते हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो बच्चे सूरी बच्चे देती है, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं फेयरवेइंग। तो ये एक बहुत ज़्यादा फार्मर्स के लिए जो ध्यान रखने वाली बात है कि फेयरवेइंग का जो प्रोसीजर है वो बहुत ध्यान से उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो कैसे, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है कि जो ना तो सूरी को नुकसान हो ना ही बच्चों को नुकसान हो। तो उसमें ये जो फेयरवेइंग का प्रोसेस है, जैसे जो मादा है उसका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो 115 डेज अप्रॉक्सीमेटली, और 112 और 13 डेज और 15 डेज होता है। तो ये जो फेयरवेइंग का प्रोसीजर है ये अंदाजन 14 डेज पहले ही शुरू हो जाता है, 14-15 डेज पहले शुरू, एक दो हफ्ते पहले शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो फीमेल है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती है, ऑफ फीड भी हो सकती है, ठीक है, और उसका बार बार उठना बैठना और उसके जो अडर है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, जैसे उसका जो नीचे जिसको आप बोलते हो अडर, जिसमें टीट्स रहते हैं, ये उसकी पूरी डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है, रेड हो जाता है, और जो नीचे से ऊपर को रेडनेस जाती है, टीट्स से ऊपर को रेडनेस जाती है। और क्या होता है कि जो एनिमल का एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है वल्वा, वो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो इन्फ्लेम्ड एंड रेड इन कलर, ऐसी कंडीशन में। तो तब से हमें थोड़ा ध्यान केयरफुल हो जाना चाहिए कि एट एनी टाइम ये जो सूरी है वो सू सकती है। जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे देती हैं जिनको हम गिल्ट्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं उस एनिमल में क्या होता है कि वो कुछ टाइम पहले बच्चों को बर्थ दे देती है, जैसे मीन्स के एग्जैक्ट टाइम पे भी दे सकती है, और कुछ जैसे 100 डेज हो गए, 100 मीन्स 100 डेज प्लस कभी भी वो सू सकती है, जिसको गिल्ट कहते हैं हम। तो जो हैवी सूरियाँ होती हैं, मोटी होती हैं, और जिनका जो प्रेगनेंसी जो नंबर ऑफ पार्चुर का ये जो है जेस्टेशन जिसकी ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो जो सूरियाँ हैं वो लेट सूती हैं, वो ज़्यादा टाइम भी ले सकती हैं, प्लस माइनस 10 डेज हो सकते हैं उस केस में, ठीक है। तो फार्मर्स को मेरे को फ़ोन आते हैं, जो फार्मर्स की क्वायरीज होती हैं, मैं उन पर्टिकुलर क्वायरीज़ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जैसे कि सूरी जब सूना शुरू करती है, बच्चे देना शुरू करती है, तो एक कई बार तो डिफ़िकल्टी होती है कि वो बच्चे लाइक लेटी होती है, तो एनिमल स्टार्ट करती है बच्चे देने, कुछ डिस्चार्ज आता है, कुछ ब्लड आता है, या कुछ कोई पार्ट प्लेसेंटा का कुछ भी बाहर आता है, लेकिन बच्चे नहीं आते, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सूरी जो है एक दो बच्चे दे देती है, तो बाद में उसके बच्चे नहीं आते। कई बार कई केसेस में क्या होता है कि जेर ही अटक जाती है, जेर नहीं आती। कई बार किसी केसेस में बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं, कई केसेस में अर्ली अबॉर्शंस हो जाती हैं, और किसी केस में छोटे बच्चे पैदा होते हैं, और किसी केस में क्या होता है कि सूरी जेड़ी मदर है ये शी इज़ अनएबल टू सकल, वो बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, बिकॉज देर इज़ इन्फ्लेमेशन
इन अडर, देर इज़ पेन इन अडर और देर इज़ नो मिल्क। सो ये सारिया जड़िया कंडीशंस ने, इन कंडीशंस पे मैं आपको आज बता रही हूँ। तो बेसिकली अगर पहली कंडीशन सबसे पहले की हम लें कि जो फीमेल है वो उसमें जो फैरोइंग का प्रोसेस हैगा वो स्टार्ट नहीं हो रहा, जहाँ स्टार्ट हो गया तो उन्हें डिले हो रही है। सो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूँ कि ये जो फैरोइंग का प्रोसीजर है ये 2 घंटे से 8 घंटे तक का, ठीक है। अगर कोई बहुत लाइक हेल्दी सो है, फर्स्ट टाइम है, तो उसमें इट मे कम्प्लीट इन 1 or 2 hours और इट मे कम्प्लीट इन 8 hours। सो पहली बात तो ये ध्यान में रखने वाली है कि 8 घंटे तो आपको वेट करनी पड़ेगी, मिनिमम 8 hours आपको वेट करना पड़ सकता है पूरा प्रोसीजर कम्प्लीट होने को। उसके बाद अगर पूरा बच्चे दे देती है, सूरी बच्चे, तो फिर उसके बाद जेर की बात आ जाती है। तो जेर जो है, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं या आफ्टर बर्थ कहते हैं, वो भी 2 to 5 hours का प्रोसीजर है। सो मिनिमम हमें उतना वेट करना है, फिर फ़ोन कॉल करनी है इधर उधर, ठीक है। तो उसके बाद प्लेसेंटा के बाद कई बार क्या होता है कि प्रोसीजर नॉर्मल प्लेसेंटा हो गया लेकिन जो फीमेल है वो डिस्चार्ज आ रहा है कोई। तो अगर डिस्चार्ज नॉर्मली कोई सिंपल डिस्चार्ज, थोड़ा जहा ब्लडी डिस्चार्ज आता है या हैवी डिस्चार्ज आता है, तो इट इज़ नॉर्मल, 5 दिन तक के नॉर्मल हैगा जो डिस्चार्ज आता है। पर एनिमल नू कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, एनिमल इज़ ईटिंग नॉर्मली, देर इज़ नो फीवर, मिल्क लेट इज़ नॉर्मल, लेट डाउन इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, देन नो नीड टू वरी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसमें क्या है कि ये कॉमन है, नॉर्मल है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एनिमल बीमार, एनिमल को फीवर आता है और एनिमल का डिस्चार्ज के साथ और ऑफ फीड हो जाता है, देन इट्स पॉइंट टू वरी। तो उसमें आपने क्या करना है कि फिर कोई एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो देने हैं, और जो यूट्रस की टोनिसिटी बढ़ाती हैं जो चीज़ें, जैसे कैल्शियम है, ठीक है, तो वो ओरली दे सकते हो, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हो, और एनर्जी टॉनिक्स है गया एनर्डाइना लाइक, है ना, और यूट्रस से, फॉर यूट्रस, यूट्रस दी अंदर से क्लीनिनेस के लिए एक तो एंटीबायोटिक हो गया, और एक कुछ ऐसे टॉनिक्स आते हैं जैसे यूट्रा सेफ हो गया, देन यूट्रा गार्ड हो गया, ऐसे कुछ टॉनिक्स हैं जो उसको देते हैं हम, तो उससे जो बच्चेदानी है जो अंदर से क्लीन हो जाती है, यूट्रस की मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। और कई फार्मर क्या करते हैं कि जल्दबाजी में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देते हैं। तो ऑक्सीटोसिन तो अगर प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, बच्चे जदों यूट्रस चो पास करते ने तो वो जदों फ्लो करते ने पिगलेट्स, जेडे तो नॉर्मल साइज़ के पिगलेट है, जेडे हैवी पिगलेट ने दिक्कत कर देंगे, अटक जाते हैं, उन्होंने एम्फिसमेटेड या मरे हुए पिगलेट जड़े ने, ओवरवेट के पिगलेट ने, कई बार जींदे भी होंगे ने, कई बार मर जाते हैं ड्यू टू सम रीज़न, डिफिकल्ट बर्थ करके। तो जेडे नॉर्मली बर्थ हुंदा जेड़ा पिगलेट्स दा, वो भी जो यूट्रस जा बर्थ कनाल चो पास करते हैं तो ऑक्सीटोसिन नॉर्मली रिलीज़ हुंदा उस केस विच, सो सानू ऑक्सीटोसिन बाहरों देन दी लोड नहीं हैगी। इफ तुसी फील करदे हो कि जेड़ी फीमेल हैगी है वो जोर ही नहीं लगा रही, बच्चे नू पुल नहीं कर रही, वो किन्ने कारण हैगे ने, उहदे दा यही कल्ला कारण नहीं है कि हॉर्मोन दी डेफिशिएंसी हो गई है, उसका कारण है यूट्राइन एनर्शिया नंबर 1, कि जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, वो थक गया है जोर लगा लगा के। तो उसके कितने कारण हो सकते हैं कि बहुत बड़ा लिटर है, ठीक है, या मरे हुए बच्चे हैं उसमें, या बर्थ कनाल में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। तो ये कुछ कारण हैगे ने जिदे करके यूट्रस दे विच एनर्शिया आ जाता है, यूट्रस जिहड़ा थक जाता है। सो उदा अकॉर्डिंग टू कंडीशन असी उदा ट्रीटमेंट करना।
ਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਅਬਨੋਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਗਲਾਵ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੂਰੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਇਨਸਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ। ਜੇਕਰ ਅਨਰਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਹੈਵੀ ਲਿਟਰ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਗਿਵਿੰਗ ਆਕਸੀਟੋਸਨ, ਅਤੇ 0.5 ml ਆਕਸੀਟੋਸਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਾਮਸਕੂਲਰਲੀ ਹਾਈਂਡ ਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਫੈਰੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜੀਕਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਰਮਲ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਗਲੈਟ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੈਬਰਥ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੇਵਲ ਕਾਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨੇਵਲ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਲਾਈਗੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੀਟਾਡੀਨ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੱਗਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਬੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਸਟਰਮ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਲਸਟਰਮ ਬੱਚੇ ਸਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਕਸੀਟੋਸਨ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਕਸੀਟੋਸਨ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੋਰਮਲੀ ਬਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਡਾਇਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਨਰਿਸ਼ ਡਾਇਟ, ਐਨਰਜੀ ਰਿਚ ਡਾਇਟ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ, ਅਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟੇਬਲ ਐਂਡ ਲੈਗਜ਼ੀਟਿਵ ਡਾਇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਫੈਰੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਰੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਰੋਇੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 4-5 ਡੇਜ਼, ਚਾਹੇ ਓਰਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਦਿਉ OTC ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਉ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਯੂ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਫੋਸਫੋਰਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਮਿਲਕ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੂਰੀ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਰਥ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੁੱਧ ਉਤਰਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੂਰੀ ਸੂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡੀਵੋਮਿੰਗ ਦੀ, ਫੈਰੋਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਫੈਰੋਇੰਗ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡੀਵੋਮਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਮੇਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੀਵੋਮਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡੀਵੋਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫੈਰੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਡੀਵੋਮਰ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪਲਸੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੋਮਸ ਦੀ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਵੋਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੋਜ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਡੀਵੋਰਮਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਲਬੰਡਾਜ਼ੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੇਫ ਡੀਵੋਰਮਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਵੋਮ